कभी राजा को भिखारी को डॉक्टर को रोगी को सूफी को शराबी को फुल टेंशन बड़े को भी छोटे को भी पतले को मोटे को हरे को खोटे को लंबे को नाटे को फुल टेंशन लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए खुशखबरी। आप अपनी कार स्कूटर और मोटरसाइकिल की सर्विस भट्टी सर्विस स्टेशन से करवाइए। हमारे मैकेनिक जिस ढंग से आपकी गाड़ी उधेड़ेंगे आपका ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। लो बीपी के लिए ना गोली ना कैप्सूल, याद रखिए भट्टी सर्विस स्टेशन। आइए आइए डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल ठीक है? कैसे चल रही है आपकी नई गाड़ी? ओ क्या बताऊं जी, इसके इंजन से इतनी गंदी आवाज आती है कि दिल बैठ जाता है। इसी स्कूटर पर मैं अपने एक हार्ट पेशेंट को देखने गया था। वो पेशेंट अच्छा खासा रिकवर भी कर रहा था, इसकी आवाज सुनते बेहोश हो गया। पूछिए मंजू से। नमस्ते भाभी जी। भाभी नहीं, ये मेरी नर्स है। कितनी देर होगी वैसे आपको ये नर्स रखे हुए जी? मेरा मतलब ये गाड़ी रखे हुए। अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए, वारंटी पीरियड में है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने पहली सर्विस पर क्यों नहीं बताया? बताया तो था, आपने कहा था दूसरी में ठीक हो जाएगी, दूसरी में लाया तो आपने कहा था तीसरी में ठीक हो जाएगी। वो तो हमने इसलिए कहा था कि पहली सर्विस करवाने के बाद दूसरी करवाने को आता ही नहीं, आप तीसरी बार भी आ गए। जीव आदमी हो आप। क्या मतलब? मैं डॉक्टर साहब, आप ना गाड़ी बहुत ही कम चलाते हैं, मैंने देखा था वारंटी पीरियड भी पूरा नहीं हुआ। अभी है ना वारंटी पीरियड, इसीलिए मैंने सोचा फ्री सर्विस करवा लो। अभी तो 60 किलोमीटर भी बचे, मैंने कहा बाद में कहीं नुकसान ना हो जाए। नहीं, नुकसान नहीं होने देते आपका। डेविड, मेरे घर वालों ने कहा भी था कि शनिवार को घर में लोहा मत लाओ, वही बात हुई, डिफेक्टिव पीस निकल आया। क्या हो गया? ये डेविड है? वो वैसे जरा एक्सीडेंटल पीस है, वैसे हमारे टॉप मैकेनिक है। सारी बुलाया आपने? हाँ, जरा ये डॉक्टर साहब की गाड़ी चेक करो। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही जो हमें अक्सर आती है, वारंटी पीरियड में गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा अच्छा, अभी तो वारंटी पीरियड बहुत पड़ा है, 60 किलोमीटर पड़ा है अभी तो। आइए डॉक्टर साहब, गाड़ी चेक करके आते हैं। किशोर, अरे भाभी जी को कुर्सी ला रहे। भाभी नहीं, मेरी नर्स है। अच्छा, आइए जी, आइए आइए, आप यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मुझे तो गाड़ी ठीक ही लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही गाड़ी में। पर ये आवाज तो आ रही है, घू घू घू। ये आवाज तो आपके मुंह से आ रही डॉक्टर साहब। नहीं, मैं तो तुम्हें बोल के दिखा रहा हूँ कैसे आती है। अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनो। ओ, कोई नहीं, देख लेते हैं डॉक्टर साहब। खोल के चेक कर लो। खोल कर भी चेक कर लेंगे डॉक्टर साहब, पहले जरा चला कर तो चेक कर लें। अब तो आवाज आ रही है। कौन सी आवाज यार, अब तो साफ आ रही है। ओ नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो पीछे से ट्रक की आवाज है। आप जरा ध्यान से सुनो भाई। डॉक्टर साहब, दरअसल यहाँ शोर बहुत है, मेरा ख्याल है हम एयरपोर्ट की तरफ चले हैं? एयरपोर्ट चलते हैं। बड़ी देर कर दी डॉक्टर साहब ने। आप कुछ ठंडा वंडा पी लें। नो थैंक यू, मेरा गला खराब है। वो तो कोई बात नहीं, आप बाद में दवाई खा लेना, डॉक्टर साहब तो आपके घर के ही हैं। पता नहीं कब आएंगे डॉक्टर साहब। वो तो बस डेविड गया ना जी, अब तसल्ली करवा के ही लाएगा। अब तो साफ सुनाई दे रही है आवाज। ये आवाज तो सड़क से आ रही है डॉक्टर साहब, घटिया तार को इस्तेमाल करते हैं ना, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। मुल्क की नहीं, मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है किसी पुरानी सड़क पर ट्राई करें डॉक्टर साहब, वहाँ ज्यादा पता लगेगा। पुरानी सड़क किधर मिलेगी आप? अरे डॉक्टर साहब, पुरानी सड़कें पुरानी दिल्ली में मिलेंगी, क्या बात है जी पुरानी सड़कों की। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया। लो आ ही गए।
अच्छा भाजी आप आ गए, भाभी जी आपकी वेट कर रही है। कितनी बार कहा है कि ये भाभी नहीं है। वो मेरी ना याददाश्त थोड़ी कमजोर है। अच्छा पता चला कुछ नुकसान जी? उस्ताद जी इंजन खोलना पड़ेगा और शायद कुछ पार्ट्स भी बदलने पड़े। तो टोटल खर्चा कितना आएगा यार, एस्टिमेट बना लो। ये कोई 4-5 हज़ार रुपए लग जाएंगे डॉक्टर साहब के। मेरे मेरे क्यों लग जाएंगे, मेरी गाड़ी तो अभी वारंटी पीरियड में है। नहीं नहीं थी जब आप सुबह आए थे ना, अब तो 20 किलोमीटर ऊपर चल गई है। उस्ताद जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, स्पीकर भी ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल भी ठीक है, हेड में भी कोई नुक्स नहीं, फिर भी काम नहीं कर रहा, आप ही चेक कर लें। तो मैं तो पहले भी 4 घंटे इससे माथा पच्ची कर चुका हूँ यार, सारी दिहाड़ी खराब कर दी इसने। तो आप कस्टमर को ऐसे ही वापस कर दो जी, कह देंगे इसके पुर्जे नहीं मिल रहे कंपनी से। जो मर्जी कह देना यार, है किस बीमारी। उस्ताद जी तो चल पड़ा, बस आवाज साफ नहीं है। ओ किसी ने ठीक ही कहा, लातों के भूत पेज का सोच नहीं मानते। तो मेरी चप्पल किधर है? उस्ताद जी मिस्त्री हवाई चप्पल, मैकेनिकों की शान, चप्पलों में चप्पल, मिस्त्री हवाई चप्पल। अब पेश है मिस्त्री भाइयों के लिए एक की। मिस्त्री जी मेरा स्टीरियो ठीक हो गया? हो गया जी हो गया, आप देख नहीं रहे कितना बढ़िया चल रहा है। मिस्त्री जी इसमें नुक्स क्या था? नुक्स एक तो इसका स्पीकर खराब था जी, और दूसरा इसका हेड बदलना पड़ा हमें, और तीसरा इसके ना वॉल्यूम में कार्बन थी, बदल दिए सब ठीक कर दिए। अच्छा जी कितने पैसे बने? पैसे आपके हो गए जी 150 + 150 + 15, चलो आप 325 दे दो। पर मेरे पास तो 300 रुपए ही है। चलो आप 300 ही दे दो, समझेंगे कि लेबर नहीं ली। मिस्त्री जी दोबारा खराब तो नहीं हो जाएगा? ओ नहीं होता जी, हमारी गारंटी है, हम बैठे किस लिए। अगर खराब हो जाए फिर? खराब हो जाए तो इसे मेज पे रख के इस पे चप्पल मारना। अब आपके सामने आ रही है समझदार और बेवकूफों की टोलियां लेकर मैकेनिक्स क्विज। ओ भैया नट बोल्ट नहीं कसने, ये क्विज है सर्विस एंड रिपेयर पे, सिर्फ सवाल जवाब है। ओके ओके। हाँ तो सवाल है आपके लिए बेवकूफों के लिए, कई लोग रिपेयर का हर काम अपनी आंखों के सामने करवाना पसंद करते हैं, आंखों के सामने रिपेयर करवाने का क्या फायदा? आंखों के सामने रिपेयर करवाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मैकेनिक को कस्टमर की आंखों में धूल झोंकने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर आंखें सामने होगी तभी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। अगला सवाल है समझदारों के लिए, सवाल है गारंटी पीरियड क्या होता है? गारंटी पीरियड मतलब तब तक आप चीज बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए, मतलब पूरी गारंटी। मेरी तरफ से भी पूरी गारंटी है कि आपका जवाब गलत है। बेवकूफ बताएंगे जी, गारंटी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपको कोई भी खरीदी हुई आइटम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर टीवी या फ्रिज की 6 महीने की गारंटी है तो आप 6 महीने तक उसे हाथ ना लगाएं। वो क्यों? क्योंकि गारंटी पीरियड में अगर वो खराब हो गया तो इल्जाम आप पर आएगा कि आपको इस्तेमाल करना नहीं आता। अगला सवाल फिर ललकार रहा है बेवकूफों के दिमाग को। मान लो आपके हाथों एक आध कोई छोटी मोटी चीज खराब हो जाती है और छोटी रिपेयर के लिए मैकेनिक अक्सर नहीं आते, तो फिर आप क्या करेंगे? छोटी रिपेयर के लिए ना अगर मैकेनिक नहीं आता तो छोटी चीज के साथ 2-4 बड़ी बड़ी चीजें खुद तोड़ देनी चाहिए ताकि मैकेनिक खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा आए। मान गए आपके दिमाग को। अगला सवाल आन पड़ा है समझदारों के पल्ले, अगर आपके बच्चे को घर की चीजें तोड़ने की आदत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? बच्चे को प्यार से समझाएं, ना समझे तो डांटे। वैसे आपका जवाब सुनकर मेरा खुद दिल कर रहा है कि आपको डांटा जाए। बेवकूफ बताएं। सर अगर बच्चे को घर की चीजें तोड़ने की आदत पड़ जाए तो उसे रिपेयर शॉप खोल देनी चाहिए ताकि वो अपने घर की चीजें तोड़ने की बजाय लोगों की चीजें खराब करे। जवाब सही है। ये!
भाभी हमसे क्यों पर्दा कर रही हो? मनोज भैया से करना। भाभी को तो इंतजार है कि कब भैया आए और आके घूंघट उठाए। लो आ गए इंजीनियर साहब। चलो भाई अब हमारा यहाँ क्या काम? क्यों भाई इंजीनियर साहब आपको घबराहट के मारे पसीने क्यों आ रहे हैं? ओ पहली रात को तो बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं। पर मनोज में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस की वजह से ही मनोज आज एयर कंडीशनिंग की लाइन में टॉप का इंजीनियर है। अरे मियां बीवी को ऐसी नहीं है कि स्विच ऑन किया ठंडी हवा देने लगे। मैं तो कहता हूँ घूंघट उठाते हुए ना उंगलियां कांप रही होंगी इंजीनियर साहब की। भाग रात है घूंघट उठा रहा। नहीं नहीं एसी एसी की आवाज है शायद। मुझे लगता वोल्टेज कुछ कम है। तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? थोड़ी सी लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ मैं देखता हूँ एक मिनट एसी को। लगता है इसका फिल्टर साफ करना पड़ेगा निकाल के। मेरे ख्याल अभी करना ले? सुबह कर लेना जी। यानी 5 मिनट की बात है? 5 मिनट का काम है और सारी रात का आ रहा हूं है? तुम्हारे देखते देखते मैं कर लूंगा। लेकिन तुम देखोगी कैसे? तुम्हारा तो घूंघट। मैं पहले घूंघट की रस्म अदा कर लूं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा। अब तुम मुझे मत रोकना। मैंने हजारों एसी ठीक किए हैं। ये चीज ही क्या है? ये 1.5 टन का एसी और मेरे सामने बोल रहा है? सोना नहीं है? हट पगली, सुहागरात में भी कोई सोता है? अब तो मुझे वैसे भी देर तक जागने की आदत पड़ गई है। एक दिन तो 3:30 बज गए मुझे किसी का एसी ठीक करते हुए। हाँ अब तो मैं अपना टूल बॉक्स अपने पास ही रखता हूँ। अगर आज ये टूल बॉक्स मेरे पास ना होता तो अच्छा ही होता। कुछ कहा तुमने? जी जी नहीं। घूंघट उठा रहा। उठ जाओ
सुबह हो गई। हाँ भी रामदीन, क्या पोजीशन है गाड़ी की? गाड़ी तो तैयार है जी, फैन बेल्ट नहीं मिल रही। हाँ तो 62-11 गाड़ी से निकाल लो ना यार। साहब उसका मालिक गाड़ी में बैठा है, बड़ा कमीना आदमी है जी, सुबह से खाना भी नहीं खाने गया। 72-11 से निकाल लो, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, 72-11 से वो बेल्ट निकाल के राजा जी। शाबाश। साहब स्पेयर पार्ट मंगवा लो, बड़ी दिक्कत आ रही है। वो यार क्या करे, जेन्युइन स्पेयर पार्ट है ही बड़े महंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम डुप्लीकेट इंटरनेशनल्स, मेरे पास कुछ स्पेयर पार्ट्स के सैंपल्स हैं। अच्छा आप मेरे जरा कैबिन में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ओ भाई साहब इधर कैबिन इधर। जनाब हमें भी थोड़ा टाइम दे दो। काकड़ी साहब मैंने देखा नहीं, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी बताइए। वो मैं आपसे थोड़ी सलाह लेना चाहता था। हाँ जी, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं चाहता था आप जरा चलाकर टेस्ट कर लें। वो ये गाड़ी तो आप आंखें बंद करके खरीद लो ना, वेरी लकी गाड़ी है? आपको कैसे पता? ये भसीन थिएटर वालों की गाड़ी है ना। इसी गाड़ी की रिपेयर करते करते तो हमने अपनी कोठी बनाई। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी क्या बता रहे थे आप? हमारी कंपनी डुप्लीकेट इंटरनेशनल्स गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, हर तरह का डुप्लीकेट पार्ट हमारे यहाँ बनता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम तो बाजार से स्पेयर पार्ट्स लेते ही नहीं। ओ तो आप ओरिजिनल कंपनी से लेते होंगे? नहीं नहीं, हमारा इंटरनल अरेंजमेंट है। पीटीओ साहब की गाड़ी की क्लच प्लेट खराब है। तो फिर ऐसे करो कि वो जो नीली गाड़ी आई है ना एक्सीडेंट वाली, उससे निकाल के डाल दो, उसका क्लेम तो बनना ही है। ठीक है, हमारे पार्ट्स भी आपको क्लेम के भाव ही पड़ेंगे सरदार जी, बहुत ही सस्ते। ये बात सस्ते की नहीं है, पार्ट्स ओरिजिनल लगने चाहिए। अब पार्ट्स तो सब बना लेते हैं लेकिन मोर की क्वालिटी कुछ नहीं होती। आपने हमारी मोर नहीं देखी सरदार जी, हमारी मोर ही तो ओरिजिनल होती है। साहब लीली गाड़ी की क्लच प्लेट तो पहले से खराब थी, उनके जो साइड में दूसरी गाड़ी खड़ी थी ना उसकी निकाल ली। ठीक है निकाल दिए तो डाल दो यार, बताने क्या बात है बार बार है? जाओ। हमारे पार्ट्स की गारंटी है सर। गारंटी? यही कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने टूटना ही टूटना, कस्टमर फिर आपके पास। गुड टेक्नोलॉजी। सर चार गाड़ियां हैं, इनमें एक स्टेयरिंग, 2-1 रेडिएटर और भाई ऐसे करो जो जो चाहिए ना उस गाड़ी से निकालो जिसकी अभी क्लच प्लेटें निकाली है। ठीक है, और बार बार मेरे पास नहीं आना, गेस्ट बैठे हैं। जनाब बड़ा चर्चा है आपका, मार्केट में बड़ा नाम है, हर कोई कहता सरदार जी ने कभी ओरिजिनल पार्ट इस्तेमाल नहीं किया। भाई ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है, एक बार कह दे कि आपके पार्ट्स खरीद लेंगे ले लेंगे, आप चलिए। थैंक यू सर। कल आ जाना। थैंक यू सर। सरदार जी वह गाड़ी तो हमने पूरी तरह उधेड़ दी, पर कमाल हो गया, उस गाड़ी के पुर्जों से 3 गाड़ियां ठीक हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ भाई क्या हुआ? जनाब मैंने आपसे कहा था कि हमारी कंपनी के पार्ट्स इस्तेमाल करना, ये तो नहीं कहा था कि मेरी गाड़ी के पार्ट्स निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। वो तुम्हारी गाड़ी थी? ओह तो कोई बात नहीं, तो ऐसे करते हैं कि 2-4 दिन में कोई गाड़ी आती है ना तो उसके पार्ट्स निकाल के आपकी गाड़ी में डाल देंगे। और मैं राजू जी जा ने लोकल बस में छोड़ा। कार पुराना लगता है, स्विच हिलाना पड़ता है, तेरी गाड़ी को लानत। अरे कार पुराना लगता है, स्विच हिलाना पड़ता है, तेरी गाड़ी को लानत। ओ बैटरी वीक है, तेल भी लीक है, खोलेंगे इंजन हम सब। कार पुराना लगता है, स्विच हिलाना पड़ता है, तेरी गाड़ी को लानत। खोल गाड़ी को तू खोल, खोल गाड़ी को तू खोल, खोल। मैं बेचारा गाड़ी का मालिक, गैरेज में फिरता हूँ मैं बेसहारा।
सबने मिलके किया कबाड़ा, फिर भी न जाने सर्विस कराने फंस गए कैसे पास तुम्हारे। कार पुराना लगता है, स्विच हिलाना पड़ता है, तेरी गाड़ी को लानत। Thank you.